Assalamu alaikum dear students, I hope all of you will be fine. Today our topic is from unit number 1, class 9. Beta, topic is memory. तो अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज मेमोरी, तो आप सबके माइंड में ये चीज आती होगी कि मेमोरी इज अ लोकेशन वेयर सम डेटा इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन साइड द कंप्यूटर. बेटा, इससे पहले जो मेमोरी हमने पढ़ी थी वो मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी थी, जो कि बैकिंग स्टोरेज थी, जो कि आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करती थी. आज जो हम मेमोरी पढ़ेंगे बेटा, ये प्राइमरी मेमोरी है, जो कि एक वॉलेटाइल मेमोरी है, जो कि आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती. ये मेमोरी बीच में कोई नॉन वॉलेटाइल भी है, जो कि आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर भी करती है. तो इसमें ये होता है बेटा, जो वॉलेटाइल मेमोरीज होती हैं, ये उस वक्त तक वर्क कर रही होती हैं जब तक उन आपके सिस्टम को इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है. जब आपके सिस्टम को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड होना खत्म हो जाता है, तो आपकी जो वॉलेटाइल मेमोरीज होती है बेटा, उनसे डेटा भी अरेज हो जाता है. इसी तरह आप इसी मेमोरी के टॉपिक के अंदर एक पढ़ेंगे टॉपिक, जो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज से है, वो ये होती है बेटा कि जिसके अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, और अगर लाइट ऑफ भी हो जाए, कंप्यूटर ऑफ भी हो जाए, फिर भी डेटा स्टोर रहता है. तो मेमोरी एक लोकेशन, ठीक है, मेमोरी इज अ लोकेशन वेयर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर. तो बेसिक जो थ्री टाइप्स अभी आपके इस टॉपिक के अंदर डिफाइन है मेमोरी की बेटा, वो उसमें आ जाती है. एक रैम है, एक रोम है, और एक कैशे मेमोरी. फिर इन मेमोरीज को जो हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ यूनिट्स, तो वो फिर मेमोरी में यूनिट्स में हम एट द एंड देखेंगे. तो बेटा, अगर हम रैम को स्टार्ट कर ले, तो रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. अब बेटा, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. आपके कंप्यूटर्स के अंदर रैम्स लगी होती हैं, आपके मोबाइल्स के अंदर रैम्स होती हैं. तो ये रैम्स क्या करती हैं, ये क्यों लगाई जाती हैं? बेसिकली ये रैम्स चिप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बनी होती हैं, और आपके कंप्यूटर के अंदर एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं, सर्किट बोर्ड्स होते हैं, जिनके अंदर आप रैम्स को इंसर्ट कर देते हैं. अब रैम्स का असल प्रोसेस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ बेटा. देखो, पहले ये जो लिखा हुआ है इसको हम समझ लेते हैं. इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी. वॉलेटाइल मेमोरी आपको पता है कि वो मेमोरी बेटा जो डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती, उस टाइम तक डेटा स्टोर रहता है जब तक उस कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हो रहा होता है. तो इसलिए ये रैम क्या, मेरे पास एक वॉलेटाइल मेमोरी है बेटा. उसके बाद क्या है, ऑल द कंटेंट्स ऑफ रैम आर रिमूव्ड व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर. देखो, सपोज आपकी सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है बेटा, जो कि परमानेंट मेमोरी होती है, इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है. अब आपने क्या किया, इस मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आपकी कोई फाइल है, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल पड़ी हुई है. अब आप क्या करते हैं, आप उसको ओपन करते हैं, उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, उसको लोड करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करना चाहते हैं. तो जब आप मेमोरी के अंदर इस फाइल पे क्लिक करते हैं, तो कंट्रोल यूनिट क्या करती है, उस फाइल को आपकी इस रैम के अंदर, ये जो आपकी रैम है, इसके अंदर लोड करवा देती है. मींस क्या हुआ, जो आपकी परमानेंट स्टोरेज है, उससे आपकी फाइल प्रोसेस होने से पहले किसमें लोड होगी, रैम के अंदर लोड होगी. रैम के अंदर लोड होने के बाद आगे फर्दर रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर्स भी स्मॉल मेमोरीज होती है. फिर ये रैम से रजिस्टर्स के अंदर आपके जो डेटा होता है ये मूव करता है, और फिर उसके बाद ये सीपीयू के पास जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, इसको डेटा को फिर प्रोसेस करता है. ये तो बेसिक कंसेप्ट है. जब आपने ये फाइल ओपन की थी, इस फाइल के अंदर आपने प्रोसेसिंग की कुछ चीजें ऐड भी कर दी, लेकिन ड्यूरिंग प्रोसेसिंग बेटा ये हुआ कि आपकी लाइट ऑफ हो गई, आपकी लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया. तो अगर आपने अपनी इस फाइल को जब ये प्रोसेस कर ली थी सीपीयू ने, तो आपने इसको
प्लस एस सेव नहीं किया था, तो आप क्या होगा जी, जब आप कंप्यूटर दोबारा ऑन करेंगे तो वो जो डेटा आपके रैम में लोड था फॉर प्रोसेसिंग, वो जितना भी आप काम कर चुके थे वो सब अब क्या हो गया, वैनिश हो गया, जाया हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो रैम होती है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है कि जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है उस वक्त तक आपका डेटा इसके अंदर लोड रहता है, जैसे ही लाइट गया डेटा खत्म हो गया। अगर मैंने क्या बताया, अगर आपके किसी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होना है, सबसे पहले रैम एग्जीक्यूट होगा, फिर रजिस्टर्स में जाएगा, फिर आपके सीपीयू को मिलेगा प्रोसेसिंग के लिए। तो किसी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होने से पहले डेटा किस में लोड होना होता है, रैम में लोड होना होता है। रैम चिप्स आर यूजुअली पैकेज्ड ऑन ए स्मॉल सर्किट बोर्ड दैट इज इंसर्टेड इनटू मदरबोर्ड। छोटे छोटे सर्किट बोर्ड्स लगे होते हैं, अगर आप कंप्यूटर खोलें जिधर आपकी रैम्स इंसर्ट होती हैं उन बोर्ड्स को कहते हैं सर्किट बोर्ड्स। तो आपकी रैम्स को इसमें इंसर्ट किया जाता है, आपके सर्किट बोर्ड के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। अब टाइप्स ऑफ रैम जो बेटा स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम बेटा ज्यादातर आपकी कैशे मेमोरीज के लिए यूज हो रही होती है और ये पीरियोडिकली रिफ्रेश इनको करने की जरूरत नहीं होती, जबकि जो डायनेमिक रैम होती है इन्हें क्रोडेट रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। डायनेमिक रैम में हमारे पास DDR रैम होते हैं, जिसमें DDR2 सपोज ये DDR2 एक रैम है, जिसका मतलब है डबल डेटा रेट सेकंड वर्जन रैम में है, डबल डेटा रेट रैम। तो ये क्या है, एक सेकंड में एटलीस्ट 2 वर्ड्स को क्या करती है, प्रोसेस करवाती है। तो ये बेटा एक बेसिक कंसेप्ट है आपका रैम का, तो याद रखना। और एक बात और आपको बता देता हूँ रैम से रिलेटेड, सपोज अगर सीपीयू ने 3 टास्क परफॉर्म करने हैं, 3 टास्क को एग्जीक्यूट करना है, अब क्या होगा जी, अब अगर आपने 3 टास्क क्रिएट किए 1, 2, 3, तो आप जो रैम होती है हर एक टास्क की रैम के अंदर आपकी एक क्यू भी बन जाती है, क्यू क्यू कहते हैं बेटा कतार को। तो ये होता है, अब क्या होता है सीपीयू का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अब इसकी एग्जीक्यूशन उस पे बेस करती है। अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सबको अपने अपने टाइम स्लाइसेस असाइन कर देगा, सारे प्रोसेसेस साथ में एग्जीक्यूट होंगे। तो ये जो है रैम से लेकर के क्यू बनती है, अगर एक से ज्यादा टास्क हो और उसकी एग्जीक्यूशन किस पे बेस करती है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, इंशाल्लाह डिटेल में सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, बाकी जो आपको बेसिक कांसेप्ट दिए या माइंड में। उसके बाद बेटा सेकंड जो हमारे पास आया था बेटा, दैट इज कॉल्ड रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी से बात चल रही है बेटा, देखो इस रोम के अंदर जो डेटा आपका स्टोर हो, आपने एक दफा इसके अंदर जो डेटा स्टोर कर दिया, फिर आप उस डेटा को चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, और सिर्फ आप उस डेटा को रीड कर सकते हैं अपने रीड से बात चल, जब आप डेटा को लोड करते हैं अपने किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जब रैम निकलता है डेटा रीड भी होता है और राइट भी होता है, आपने एक फाइल को रीड किया तो सेकेंडरी मेमोरी से वो रैम में आई, आपने उसको प्रोसेस करवाया, अब आपने उसमें उसको आपको दोबारा स्टोर कर दिया, तो आपने क्या किया उस फाइल को राइट करवा दी मेमोरी की उसी लोकेशन पे। लेकिन इसके अंदर आप डेटा को रीड कर सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते, डेटा को दोबारा राइट नहीं कर सकते। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो बेटा नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपको मिल जाता है डी मेमोरी दैट स्टोर डेटा परमानेंटली, इवन इफ दी लाइट कम्स ऑफ, अगर लाइट ऑफ ये फिर भी आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। और डेटा इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन आर रिकॉर्डेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स इन द रोम। अच्छा रोम क्या चीज है बेटा, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर आपका कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन करता है तो वो क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर एक रोम की चिप इंस्टॉल कर देता है, एम्बेड कर देता है। जब ये चिप को लगा देता है तो इसके अंदर एक प्रोग्राम डाल देता है, उस प्रोग्राम को बेटा कहते हैं BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये BIOS बेटा ये करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आपकी विंडोज होती हैं, उनको लोड करना विंडोज का, उसके अलावा कंप्यूटर के साथ जितने कंप्यूटर कंपोनेंट्स कनेक्ट होते हैं उनको लोड करना, और जितना भी आपका स्टार्टिंग प्रोसेस होता है वो सारा जो लोड प्रोग्राम होता है वो उसका सारा प्रोग्राम आपकी BIOS के अंदर लोड कर दिया जाता है। सिस्टम ने ऑन कैसे होना है, सिस्टम के कंपोनेंट्स
सिस्टम जब ऑन हो रहा है फिर रिस्पांस कैसे करना है, किन किन लोकेशंस को एक्सेस करना है, ये सारा प्रोसेस आपको किसमें लोड कर दिया जाए, रोम के अंदर। तो फिर क्या होता है बेटा, आप जब भी कंप्यूटर के अंदर अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हो, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद जब कंप्यूटर आप ऑन करते हो, तो उसको ऑन करने का जो पाथ होता है, वे जो प्रोवाइड कर रहा होता है, वो आपको रोम के अंदर पड़ा हुआ प्रोग्राम जिसको BIOS कहते हैं, वो आपको ये सारी चीज गाइड कर देता है। क्या लिखा हुआ है, रोम कंटेन्स BIOS व्हिच कंटेन्स द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम which is a sequence of instructions. BIOS is a sequence of instructions that computer follows, जो computer follow करता है to load the operating system, आपके windows को load करने में, and other files while computer is not on, जब computer on हो रहा है, ROM की बेटा कुछ types हैं, EEPROM है और EEPROM है, PROM stands for programmable read only memory, बेटा ये जो EEPROM होती है, इसके अंदर एक दफा आपने कोई program insert कर दिया, embed कर दिया, फिर उसके बाद जो है रोम के अंदर जो डेटा है उसको रेस नहीं कर सकते ना, चेंज कर सकते। फिर आती है EEPROM, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली अरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो रोम्स होती हैं बेटा, इनके अंदर कुछ सर्टेन लिमिट्स होती है, जिस लिमिट तक आप इस रोम के अंदर डेटा हटा के चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं कैशे मेमोरीज। कैशे मेमोरीज से आप सब बहुत अच्छी तरह अवेयर हैं, हर एक कंप्यूटर मोबाइल के अंदर कैशे मेमोरी जरूर होती है। If I say you tell me which memory is the fastest memory of computer, the response will be the cache memory is the fastest memory of computer. इसको fastest इसलिए कहा जाता है बेटा, एक बार याद रखिएगा। देखो, इसकी एक यहाँ पर definition है। It speeds up the process of computing by storing frequently used instruction and data. बेटा देखो, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। Suppose मैंने यहाँ पे एक Google Chrome ओपन कर लिया, Google, ठीक है बेटा, ये Google का सर्च बॉक्स है। आप इस Google के अंदर पाकिस्तान आर्मी, पाक आर्मी की वेबसाइट जो है वो आपने 20 टाइम्स सर्च की, इसका मतलब ये कि आपने ये डेटा फ्रीक्वेंटली यूज किया है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो कैसे सीपीयू कोई भी डेटा को प्रोसेस करने लगता है, तो एक बार याद रखना, सबसे पहले वो जिस मेमोरी को देखता है वो कैशे मेमोरी होती है। अगर उसको कैशे के अंदर डेटा मिल जाए तो उसको प्रोसेस करता है, अगर कैशे में नहीं मिलता तो उसके बाद वो रैम को चेक करता है, अगर रैम में अगर कोई डेटा पड़ा होता है तो वो रैम से डेटा को फेच कर लेता है। ये बात क्लियर। अब जब ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका टाइम भी बचता है। कैसे, सपोज अगर आपने 20 फास्ट टाइम की किसी भी 20 फास्ट टाइम है, जैसे मैंने देखो पी पी मैंने डाला, पी ए डाला, तो पाक आर्मी आपके ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये जो आपकी कुकीज होती है, ये जो आपका फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है बेटा, वो आपका गूगल क्या करता है, आपका जो कैश होता है उसको क्या करता है, स्टोर कर देता है। तो फिर आपको प्रोसेसिंग में आसानी हो जाती है। अब बेटा टाइप ऑफ कैश है उसमें अंदर L1 कैश है, L2 L3 कैश है बेटा। तो L1 कैश है, देखो ये स्टोर मेरे पास सीपीयू चिप है, तो L1 कैश है मेजर पार्ट जो ये सीपीयू होता है इसके अंदर होता है। L1 कैश का मतलब क्या होता है, इनसाइड सीपीयू। तो मैंने आपको क्या बताया, सीपीयू जब भी अपने प्रोसेसिंग के लिए डेटा को चेक करता है तो सबसे पहले कैश में चेक करता है। तो कैश के तीन लेवल हैं, सबसे पहला लेवल है L1, तो वो किसको चेक करता है, L1 का। L1 में इंस्ट्रक्शन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर इस सीपीयू चिप के बाद प्रोसेसर के बाहर दो कैश के और लगे होते हैं L2, फिर उसके बाद L3 लगा होता है। अगर उसको L1 में डेटा नहीं मिलता बेटा, वो L2 को चेक करता है, और अगर L2 भी नहीं मिलता तो फिर वो L3 कैश को चेक करता है, और L3 भी नहीं मिलता तो फिर बेटा वो रैम की तरफ मूव करता है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट कैश। उसके बाद बेटा लास्ट टॉपिक है मेमोरी में, यानी यूनिट्स। अब देखो जो आपकी मेमोरीज होती है, सपोज 2 GB रैम है, 6 GB रैम है, तो ये जो आपकी मेमोरीज बनती हैं तो ये कैसे बनती है, ये किस कॉम्बिनेशन से बनती है, ये भी हम देखते हैं। देखें मेमोरी इज अ यूनिट इन बाइट्स। अगर आपसे कोई पूछे कि मेमोरी की यूनिट क्या है, तो आप याद रखें मेमोरी की यूनिट बाइट होती है, और हमेशा ये बाइट्स
कंबाइन करती है। अगर फोर बिट्स कंबाइन करती है तो एक फॉर्म्स वन निबल, चार बिट्स में क्या उसमें एक निबल बनाती है बेटा। एट बिट्स कंबाइंस, आठ बिट्स और दो निबल्स या दो निबल आपस में मिलते हैं तो एक फॉर्म्स वन बाइट। ठीक हो गया बेटा। अब किलोबाइट का बनता है व्हेन टू मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर बेटा। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, वन किलोबाइट कैसे बनता है ये आपको मैं बताता हूं बेटा। इसमें व्हेन टू पावर 10 बाइट्स, व्हेन टू पावर 10 बाइट्स कंबाइंस टुगेदर इन दे फॉर्म 1 किलोबाइट, और व्हेन 1024 बाइट्स कंबाइंस टुगेदर दे विल फॉर्म 1 किलोबाइट। इसी तरह बेटा व्हेन टू पावर 20 बाइट्स कंबाइंस टुगेदर दे फॉर्म 1 मेगाबाइट, और व्हेन 1024 किलोबाइट्स जब आप 1024 किलोबाइट्स को बना लेते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, 1 एमबी। इसी तरह बेटा व्हेन टू पावर 30 बाइट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो इट फॉर्म 1 जीबी, और व्हेन 1024 मेगाबाइट्स ये वाला अब एमबी, जब 1024 एमबी आपस में मिलते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, 1 गीगाबाइट। इसी तरह बेटा व्हेन टू पावर 40 बाइट्स और 1024 गीगाबाइट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म 1 टेराबाइट। इसी तरह जब 2 पावर 50 पे चले जाओगे तो 1 पेटाबाइट, 1024 टीबी जब आपस में मिलेगी तो ये 1 पेटाबाइट बनाएगी बेटा। एट द एंड बेटा आपको ये मैं बताने जा रहा हूं कि 1 बाइट जो है डेटा कितना स्टोर करती है, तो 1 बाइट कितना स्टोर करती है, 1 बाइट स्टोर इक्वल टू 2 पावर 8 इसका मतलब है 256, 2 पावर 8 इक्वल होता है बेटा 256 के, तो इसका मतलब है इंडिविजुअल कैरेक्टर्स नंबर्स लेटर्स वगैरह को आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर कर सकती है। तो ये जो आपकी मेमोरी लोकेशन होती हैं वो ऑलवेज मेंटेन इन बाइट्स। तो बेटा दिस इज ऑल फॉर टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लीव इन द कमेंट। थैंक यू वेरी मच।